हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम 4 ईयर बेबी के लिए क्रोशेट सॉक्स को बनाएंगे। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है। इसे बनाने के लिए मैं 3 कलर्स यूज़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैजिक रिंग से। इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, एक और डबल क्रोशिया करेंगे, दो चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2 एंड 3। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे और इस 3rd चेन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारा 1st राउंड कंप्लीट हो गया है। चेन बनाएंगे और कट कर देंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। 2 चेन के बीच के स्पेस के अंदर हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। इसी स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन 3 को भी हम डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये हमारा 3rd डबल क्रोशिया है। अब हम 2 चेन बनाएंगे और इसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट चेन 2 के स्पेस में फिर से हम एक कॉर्नर बनाएंगे, तो फिर से हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करेंगे इसी स्पेस के अंदर, 2 एंड 3, चेन 2, 1, 2, अगेन 3 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट चेन 2 के स्पेस में भी इसी तरह से करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 3rd राउंड के लिए जो कॉर्नर्स के बीच का स्पेस है यहाँ पर उनको ऐड करेंगे। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे इसमें, 3 चेन। इस 3 चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे,
अब कॉर्नर में हम चेन टू के स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया चेन टू थ्री डबल क्रोशिया दोबारा से बनाएंगे, थ्री चेन टू अगेन थ्री डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस, अब फिर से दोनों कोनों के बीच के स्पेस के अंदर हम फिर से थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह फॉलो करते हुए इस राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करते हुए हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने 7 राउंड्स बना के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशे की दो रोज बनाएंगे, तो चेन टू के स्पेस से थ्री चेन बनाते हुए हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, अगेन टू डबल क्रोशिया वन एंड टू, ये चेन टू के स्पेस के अंदर हमने बनाया है। अब नेक्स्ट वाले स्टिच के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया, पूरे स्क्वायर में हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, लेकिन कॉर्नर्स में हम दो डबल क्रोशिया दो चेन दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए कॉर्नर में हम इसमें दो डबल क्रोशिया एक दो, यहाँ पे दो चेन बनाएंगे और फिर से दो डबल क्रोशिया इसी स्पेस में बनाएंगे एक दो। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम दो राउंड बनाएंगे ब्लू कलर से। ये देखिए हमारे दो राउंड डबल क्रोशिया के भी कंप्लीट हो गए हैं और इसकी लेंथ और विड्थ 7.5 इंच है। अब हम इसको स्टिच करेंगे, तो इस तरह से इसे उल्टा करके रखेंगे। यहाँ से 4 इंच हम मेजर करेंगे और इसे स्टिच करेंगे। 2 के स्पेस से हम यहां पर एक नोट बांध देंगे। यहां से हम 4 इंच पे इसे सिलेंगे। उस तरफ से सिलने के बाद अब हम इधर से सिलेंगे इसे।
यहाँ से भी हम 3.5 इंच तक इसको सिल देंगे। साढ़े 3 इंच तक सिलने के बाद हम इस तरह से इसे मोड़ेंगे और सिलाई करेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। देखिए कितनी प्यारी सॉक्स बनके रेडी हुई है। इसको इस तरह से ऊपर से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक पॉम्पम को अटैच करूँगी। तो दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।